ऑन द टेबल ग्रैंडमा का चश्मा टेबल पर है द पैरट इज सिटिंग ऑन ही शोल्डर पैरट बैठा है उसके कंधे पर तोता उसके कंधे पर बैठा है द बुक्स आ लाइन ऑन द फ्लोर किताबें फर्श पर पड़ी हैं नंबर टू ऑन यूज किया जाता है टू इंडिकेट दैट समथिंग इज अटैच टू और कवरिंग द एरिया ऑफ समथिंग एल्स कोई चीज़ किसी चीज़ से अटैच्ड है या कोई चीज़ किसी चीज़ के हिस्से को कवर किए हुए हैं इसके लिए भी हम ऑन यूज करते हैं जैसे द पिक्चर इज हंग ऑन द वॉल यानी कि पिक्चर लट अटैच है लटकी हुई है दीवार से देर इज़ ब्लड ऑन योर शर्ट तुम्हारे शर्ट पर ब्लड है यानी कि उसको कवर किया हुआ है शर्ट के हिस, कुछ हिस्से को देर आर मैंगोज़ ऑन द ट्री ट्री से अटैच है मैंगोज़ तो आम हैं पेड़ों पर वोर ओल्ड शूज ऑन इज फीट वो पहने हुए है पुराना जूता अपने पैरों में तो उसके पैरों से एक पुराना जूता अटैच है तो ऑन यूज़ किया ऑन इज यूज टू इंडिकेट स्पेसिफिक डे और डेट ऑन को स्पेसिफिक डे या डेट के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं हम डे या डेट्स के लिए कभी भी एट या इन या किसी और दूसरे प्रिपोजिशन को यूज़ नहीं करते सिर्फ ऑन ही यूज़ होता है जैसे रविंद्रनाथ वॉज बॉर्न ऑन सेवन मे रविंद्रनाथ सात मई को पैदा हुए तो इसके लिए ऑन यूज़ होता है आई शैल सी यू ऑन मंडे द ट्रेन लीव्स ऑन फ्राइडे इस तरह के सेंटेंसेज में हम ऑन यूज करते हैं डेज के साथ ऑन हेयर सैलून्स डोंट यूजवली ओपन ऑन संडेज संडेज़ को हेयर सेलून्स आमतौर पर नहीं खुलते हैं इसके लिए भी ऑन यूज़ किया गया नंबर फोर टू इंडिकेट रिलेटेड टू और अबाउट कोई चीज़ किसी किसी चीज़ से संबंधित है या उसके बारे में है ये बताने के लिए भी हम ऑन यूज़ करते हैं जैसे दिस बुक इज़ ऑन इंग्लिश लिटरेचर ये किताब इंग्लिश लिटरेचर पर है या उससे संबंधित है या उसके बारे में है आई रोट अ बुक ऑन फिजिक्स उसी तरह से द मिनिस्टर हैज़ रिफ्यूज टू कमेंट ऑन द एलीगेशन्स एलिगेशन्स के बारे में कमेंट करने से उसने इनकार कर दिया है मिनिस्टर ने आई मेड अ वीडियो ऑन प्रिपोजिशंस मैंने प्रिपोजिशंस पर एक वीडियो बनाया है नंबर फाइव टू शो मीन्स ऑफ ट्रैवल और मूवमेंट यानी कि कोई चीज़ किस तरह से मूव कर रही है या किस तरह से कोई ट्रैवल कर रहा है उसका मीन्स बता रहे हैं उसका जरिया बता रहे हैं माध्यम जैसे ही वॉज ऑन अ बस यानी कि वो बस में सफ़र कर रहा है या ट्रेन में सफ़र कर रहा है या ऑन अ प्लेन ऑन अ शिप इस तरह से आई गो टू कॉलेज ऑन माई मोटर बाइक या साइकिल मैं कॉलेज जाता हूं अपने मोटर बाइक पर या साइकिल पर ही वॉक्स ऑन फुट यानी कि वो अपने पैरों पर जा रहा है आई वॉज राइडिंग ऑन अ हॉर्स मैं सवार था घोड़े पर नंबर सिक्स टू इंडिकेट डायरेक्शन जैसे दे अटैक्ड ऑन द विलेज लास्ट नाइट तो अटैक कहां हुआ विलेज पर एक डायरेक्शन मालूम हो, हो रहा है एक टारगेट मालूम हो रहा है तो दे अटैक्ड ऑन द विलेज लास्ट नाइट उन लोगों ने हमला किया गांव पर पिछली रात को द रॉबर्टर ऑन हिम रॉबर ने उसकी तरफ एक डैगर निकाल लिया एक हथियार ढाता आर हाउस इज द फर्स्ट ऑन द लेफ्ट हमारा घर सबसे पहला है यहाँ से बाई तो ये डायरेक्शन बताने के लिए भी ऑन यूज किया जाता है नंबर सेवन टू इंडिकेट दैट समन इज इन्वॉल्व इन समथिंग और टू शो अ कंडीशन और प्रोसेस जैसे ही इज़ वर्किंग ऑन इज फिटनेस अब वो इन्वॉल्व है फिटनेस में फिटनेस पर वर्क करने में इंगेज है बिजी है इसके लिए हमने ऑन यूज किया ही इज़ वर्किंग ऑन हिज फिटनेस एक प्रोसेस चल रहा है मॉम इज ऑन द फोन ये भी एक प्रोसेसिंग में है एक एक्ट वी आर ऑन पेज नाइन द प्रिंसिपल इज ऑन लीव क्राइम इज ऑन द इनक्रीज ये सारे प्रोसेसिंग में है नंबर एट इंडिकेट दैट समन इज अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन कोई किसी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है ये बताने के लिए भी हम ऑन यूज करते हैं जैसे शी इज ऑन द कमेटी इसका मतलब है कि वो उस कमेटी से जुड़ी है उस कमेटी की एक मेंबर है ही सर्वस ऑन अ ज्यूरी यानी कि वो ज्यूरी के एक मेंबर के रूप में काम करता है देर आर नो वुमेन ऑन द कमिटी कमेटी में कोई भी औरतें नहीं हैं शी इज अ रिसर्चर ऑन अ वमन्स मैगजीन वो वुमेंस मैगजीन पर एक रिसर्चर है यानी कि वेमेन मैगजीन एक जो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप है उसमें वो रिसर्चर के रूप में काम करती है नंबर नाइन ऑन यूज़ किया जाता है टू इंडिकेट बाय मींस ऑफ और डिपेंडेंस जैसे का लिव्स ऑन ग्रास गाय घास पर निर्भर करती हैं घास खाकर जिंदा रहती हैं तो कोई चीज़ किस चीज़ पर निर्भर करती है या किस चीज़ पर डिपेंडेंट है कोई किस चीज़ से उसका गुजारा हो रहा है ये बताने के लिए हम ऑन यूज़ करते हैं जैसे इस सेंटेंस में गाय घास पर गुजारा करती हैं घास खाकर जिंदा रहती हैं ही लिव्स ऑन हिज फादर्स इनकम वो अपने बाप के इनकम पर जीता है आई सॉ इट ऑन द टी वी यहाँ पर बाई मीन्स ऑफ बताया गया यानी कि मैंने इसे देखा टी वी पर वी रिलाई ऑन यू हम तुम पर यकीन करते हैं भरोसा करते हैं टीम इज डिपेंडेंट ऑन हिज ब्रदर टीम अपने भाई पर निर्भर करता है अब जानते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमेशा ऑन के साथ यूज़ किए जाते हैं जैसे ऑन द रोड ऑन द वे ऑन अ ट्री ऑन अ फूट ऑन अ वॉल ऑन द पेपर ऑन द रेडियो ऑन टी वी ऑन द फोन ऑन ड्यूटी ऑन अर्थ ऑन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑन टाइम ऑन फायर ऑन वन बेड ऑन लीव ऑन हॉलीडे ऑन ट्रायल ऑन सेल ऑन ऑफर ऑन मंडे ऑन सेकंड जून ऑन हायर ऑन हॉलीडे ऑन द सब्जेक्ट ऑन डिमांड ऑन रिक्वेस्ट ऑन द ट्रेन ऑन द लेफ्ट ऑन अ लिस्ट ऑन अ जर्नी ऑन स्ट्राइक ऑन अ कमिटी ऑन अ डाइट ऑन द फर्स्ट फ्लोर इस तरह के वर्ड्स हमेशा उनके साथ यूज़ किए जाते हैं इनको आपको याद भी रखना है अगले वीडियो में हम बात करेंगे इनके यूजेस के बारे में इस तरह की वीडियोज़ के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप न्यू लेसन को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो